हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में वन रोल प्लास्टिक वायर यूज़ करके मिनी बैग बनाने का तरीका सीखेंगे। आप प्लास्टिक वायर बैग बनाने में बिगनर रहो तो इस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, तब आपको बहुत आसान रहेगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाइए, तभी मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमारे चैनल में इस तरह प्लास्टिक वायर बैग बनाने का बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, वो आपको यूजफुल रहेगा। अब चलिए स्टार्ट करेंगे। इस तरह प्लास्टिक वायर्स आपको चाहिए तो मेरे वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप ले सकते हैं। इस बैग बनाने के लिए मैं दो कलर्स में हाफ रोल वायर्स ली हूँ। पहले मेजर करे बाद कट करेंगे। इस बैग बनाने के लिए टोटल 6.5 फीट मेजर कर लेना है। इस तरह 1 फीट स्केल लेकर 3 टाइम्स इस तरह रैप करे बाद 6 इंचेस लेना है। टोटल 6.5 मिला है। आप इन स्टेप में मेजरमेंट लिए तो 2 मीटर मेजरमेंट लिए बाद कट कर लीजिए। इसी तरह सारे वायर्स भी कट कर लेना है। एक वायर को इस तरह मेजर करे बाद उस वायर का मेजरमेंट लेकर नेक्स्ट वायर्स कट कर लेना है। इसमें रेड कलर में 12 वायर्स कट कर लेना है, येलो कलर में 8 वायर्स कट कर लेना है। अब देखिए मैं सारे वायर्स भी कट करी हूँ। इसके बाद इस वायर्स को इक्वल फोल्ड करके रबर बैंड डालकर रख लेना है, तभी नॉट बनाने पे आसान रहेगा। इसके बाद रनिंग वायर लेना है। सारे वायर पीसेस भी कट करे बाद रिमेनिंग वायर्स को रनिंग वायर कहते हैं। वायर पीसेस में रेड कलर वायर्स ज्यादा है, येलो कलर वायर सिर्फ 8 है, उसी लिए येलो कलर रनिंग वायर मैं ली हूँ, तभी इस बैग का डिजाइन परफेक्ट मिलेगा। पहले येलो कलर रनिंग वायर को लेकर 3 फीट मेजर कर लेना है। मेजर करे बाद इस तरह फोल्ड कर लेना है। इसमें ऊपर का पार्ट में 3 फीट वायर है, नीचे का पार्ट बंडल में जॉइंट हुआ है। इस तरह फोल्ड करे बाद लेफ्ट हैंड में रख लेना है। बाद में राइट हैंड में रेड कलर वायर को लेकर, वो रेड कलर वायर पहले फोल्ड हो को है, उस वायर को लेकर इस तरह इस येलो वायर के ऊपर रख लेना है। बाद में येलो वायर में नीचे का वायर को लेकर इसके ऊपर रख लेना है। बाद में रेड कलर वायर पीस में नीचे का वायर को लेकर यहाँ लूप है ना, उस लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। इसके बाद इस 4 वायर्स को भी अच्छा पुल करके इस नॉट को टाइट कर लेना है। अब देखिए मैं एक नॉट बनाई हूँ। यहाँ देखिए रेड कलर वायर सेंटर में है, दो साइड में भी येलो कलर वायर्स है। लेफ्ट साइड का वायर 3 फीट है, राइट साइड का वायर बंडल में जॉइंट हुआ है। इस तरह आप रख लेना है, इस तरह ही रख लेना है, तभी आप बैग बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रेड कलर वायर को लेकर सेम उसी तरह येलो कलर वायर को फोल्ड करे बाद उसके ऊपर रख लेना है। बाद में इसी तरह नॉट बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट रेड कलर वायर को भी लेकर नॉट बनाना है। टोटल 4 रेड कलर वायर यूज करके नॉट बनाना है। इसके बाद येलो कलर वायर्स लेना है। 4 येलो कलर वायर पीसेस को भी सेम इसी मेथड में ज्वाइन कर लेना है। 4 रेड कलर वायर ज्वाइन कर लेना है। बाद में 4 येलो कलर वायर ज्वाइन कर लेना है। बाद में 4 रेड कलर वायर्स ज्वाइन कर लेना है। इस तरह कंटिन्यूसली सारे वायर्स को भी ज्वाइन करते जाना है। एक एक नॉट बनाने पे अच्छा टाइट कर लेना है। टाइट करे बाद रेड कलर वायर में ऊपर का और नीचे का वायर इक्वल है क्या एक बार चेक कर लेना है। इक्वल नहीं रहा तो थोड़ा लूज करके एडजस्ट कर लेना है, नहीं रहा तो वायर शॉर्टेज हो सकता है, उसी लिए ये जरूर देख लेना है। सिर्फ इस लाइन में ही इस तरह देख लेना है, बाद में नेक्स्ट लाइन में इसका जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह कंटिन्यूसली नॉट बनाते जाना है। देखिए मैं 4 नॉट्स बनाई हूँ रेड कलर में। इसके बाद येलो कलर लेना है। येलो कलर वायर को भी इक्वल फोल्ड करके मैं रखी हूँ, उस वायर को लेकर इसके ऊपर डालकर नॉट बनाना है। अब देखिए मैं सारे वायर्स को भी ज्वाइन करी हूँ। टोटल इसमें 20 वायर पीसेस ज्वाइन करी हूँ, इसी तरह मिला है। इसके बाद रिमेनिंग रनिंग वायर में 3 फीट मेजर करे बाद कट कर लेना है। अब देखिए मैं एक लाइन बनाई हूँ।
इसके बाद नेक्स्ट लाइंस कंटिन्यू कर लेना है। टोटल इस बेस में सिर्फ 4 लाइंस ही मैं बनाने वाली हूँ, तभी इस बैग का डिजाइन परफेक्ट मिलेगा। इस बैग को इतना ही चाहिए। आपको बिग साइज बैग का मेजरमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बैग का मेजरमेंट बताती हूँ। इस तरह टाइप का बैग आप बनाने रहा तो 4 में डिवाइड होने का नंबर्स में वायर्स कट कर लेना है। बेस का लाइन भी उतना ही बनाना है, तभी इस डिजाइन परफेक्ट मिलेगा। इसमें सिर्फ 4 लाइंस में बनाने वाली हूँ, उसीलिए ये सेंटर लाइन है उसके ऊपर 2 लाइंस बनाना है, नीचे सिर्फ 1 लाइन बनाना है, तभी इस बेस में 4 लेंथ मिलेगा। येलो कलर रनिंग वायर को लेकर 3 फीट मेजर कर लेना है। 3 फीट मेजर करने का स्केल यूज करने का जरूरी नहीं है, फर्स्ट लाइन का वायर का मेजरमेंट लेकर इस तरह पहले फोल्ड कर लेना है। इसके बाद फर्स्ट वायर को लेकर इसके ऊपर रैप करके नॉट बनाना है। नॉट को अच्छी तरह टाइट कर लेना है। इस तरह कंटिन्यूसली इस लाइन में नॉट्स बनाते जाना है। टोटल 20 नॉट्स बनाए बाद लास्ट में 3 फीट वायर छोड़कर कट कर लेना है। सेम इसी तरह नेक्स्ट लाइन भी बनाना है। अब देखिए मैं सेंटर लाइन का ऊपर 2 लाइंस में बनाई हूँ। इसके बाद इस बेस को टर्न करके रख लेना है। इस तरह टर्न करे बाद नीचे भी सेम इसी मेथड में नॉट्स बनाना है। पहले येलो कलर रनिंग वायर को लेकर 3 फीट मेजर करे बाद नॉट बनाने का स्टार्ट कर लेना है। यहाँ देखिए यहाँ भी फर्स्ट नॉट सेम इसी तरह बनाई हूँ। इसके बाद कंटिन्यूसली नॉट्स बनाना है। लास्ट में 3 फीट मेजर करे बाद कट कर लेना है। अब देखिए इस बेस फिनिश हो गया। ये 1 रोल का बैग है, उसी लिए इसका बेस इतना ही मैं रखी हूँ। आपका बिग साइज बैग चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं मेजरमेंट बताती हूँ। इसके बाद ऊपर का लाइंस बनाना है। अब देखिए इस बेस में 4 लाइंस भी रनिंग वायर यूज करके मैं बनाई हूँ। ऊपर का लाइंस रनिंग वायर के बिना मैं बनाने वाली हूँ, उसका मेथड कैसा अब बताती हूँ। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 4 रेड कलर वायर है, इसके बाद 4 येलो कलर वायर है। फर्स्ट वायर रेड कलर वायर है ना, उसीलिए रेड कलर रनिंग वायर को लेना है। रेड कलर रनिंग वायर को लेकर फर्स्ट वायर का मेजरमेंट लेना है। देखिए ऐसा रखकर मेजरमेंट लेना है। बाद में उस रनिंग वायर को फोल्ड कर लेना है। बेस में हमारे बनाए जैसा यहाँ भी इस तरह फोल्ड करे बाद फर्स्ट वायर को इसके ऊपर रैप करके इस तरह नॉट बनाना है। इस नॉट को अच्छी तरह टाइट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट 3 रेड कलर वायर है, उसमें भी नॉट बनाना है। अब देखिए 4 नॉट्स में बनाई हूँ। इसके बाद रनिंग वायर को कट कर लेना है। लास्ट वायर 4th वायर का मेजरमेंट लेकर बाद में कट कर लेना है।
अब देखिए रेड कलर वायर 6 वायर्स मिला है, सेंटर में 4 वायर्स है, दो साइड में भी एक एक वायर है, इस तरह 6 वायर्स मिला है। इसके बाद येलो कलर प्लेस में भी इस तरह नॉट बनाना है। येलो कलर रनिंग वायर को लेकर येलो कलर वायर का मेजरमेंट लेना है, इस तरह रखकर मेजरमेंट लिए बाद 4 नॉट्स बनाना है। फोर नॉट्स बनाए बाद लास्ट वायर का मेजरमेंट लेकर येलो कलर रनिंग वायर को कट कर लेना है। देखिए इस तरह 4 नॉट्स मिला है। सेम इसी मेथड में सारे प्लेसेस में भी वायर्स ज्वाइन कर लेना है, तभी ऊपर का लाइन क्रॉस नॉट में आप बना सकते हैं। इस बेस में सेम इसी तरह 12 वायर्स ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए इस तरह शेप मिला है, इसमें 12 वायर्स में ज्वाइन करी हूँ। इसके बाद रनिंग वायर का जरूरी नहीं है, सिर्फ क्रॉस नॉट बनाना है। क्रॉस नॉट बनाने का तरीका मैं अब बताती हूँ। यहाँ देखिए टोटल 6 वायर्स है ना, फर्स्ट वायर को छोड़ लेना है। फर्स्ट वायर को छोड़कर बीच का 4 वायर्स में 2 नॉट बनाना है, क्रॉस नॉट ही बनाना है। देखिए बीच का 4 वायर्स में फर्स्ट वायर को लेकर पहले फोल्ड कर लेना है, बाद में सेकंड वायर को लेकर इसके ऊपर रैप कर लेना है, बाद में लेफ्ट साइड का उल्टी वायर को लेकर ऊपर रख लेना है, बाद में राइट साइड का उल्टी वायर को लेकर लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है, बाद में इस नॉट को अच्छा टाइट कर लेना है। अब देखिए एक क्रॉस नॉट मिला है। सेम इसी तरह नेक्स्ट 2 वायर में भी नॉट बनाना है। यहाँ का शेप थोड़ा डिफरेंस मिला है, नेक्स्ट लाइन में वो परफेक्ट हो सकता है। अब देखिए 2 नॉट्स में रेड कलर में मैं बनाई हूँ। इसके बाद यहाँ देखिए एक रेड कलर वायर मिला है, बाद में येलो कलर वायर एक मिला है, दो भी एक शेप में मिला है, वहां भी एक नॉट बनाना है। सेम इसी तरह बनाना है, क्रॉस नॉट बनाना है। देखिए 2 रेड कलर नॉट, एक मिक्स्ड नॉट इस तरह मिला है। इसके बाद 4 येलो कलर वायर है ना, उसमें भी नॉट बनाना है। सेम पहले बनाए जैसा यहाँ भी नॉट बनाना है। सेम इसी मेथड में सारे वायर्स में भी नॉट बनाना है। दो सिंगल कलर नॉट, एक मिक्स्ड कलर नॉट मिला है। अब देखिए मैं एक लाइन कंप्लीट करी हूँ। इसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं है, सारे वायर्स भी एक शेप में मीट हुआ है, उसमें नॉट बनाना है। देखिए इस तरह सारे वायर्स भी एक शेप में है ना, उसमें क्रॉस नॉट बनाकर इस बैग को कंप्लीट कर लेना है। बैग का फुल हाइट कंप्लीट करने तक ऐसा ही नॉट बनाना है। आपको 3x3 पैटर्न में डायमंड्स मिलेगा। आप इस तरह नॉट्स लाइन में भी बना सकते हैं, क्रॉस में भी बना सकते हैं। क्रॉस में आप बनाना चाहे तो फर्स्ट 10 नॉट्स बनाना है, उसके बाद ऊपर का लाइन में 9 नॉट्स बनाना है, बाद में 8 नॉट्स बनाना है, इस तरह क्रॉस में बनाते जाना है। लास्ट में गैप्स का नॉट्स को कंप्लीट कर लेना है। आपको उस मेथड मालूम नहीं रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ। सेम इसी मेथड में इस बैग को कंप्लीट कीजिए, मैं कंप्लीट करे बाद बताती हूँ।
अब देखिए इस बैग को मैं कंप्लीट करी हूँ, सारे वायर्स को भी अंदर इंसर्ट करी हूँ। बैग में क्रॉस में काउंट करके देखी तो टोटल 25 नॉट्स मिला है। रिमेनिंग वायर्स को थर्ड लाइन में मैं इंसर्ट करी हूँ, एक लाइन फोल्ड होकर थर्ड लाइन में क्रॉस में इंसर्ट करी हूँ। राइट साइड का वायर को राइट साइड में ही इंसर्ट करी हूँ, साइड वायर को लेफ्ट साइड में ही इंसर्ट करी हूँ, दो भी क्रॉस में इंसर्ट करी हूँ। फिटिंग परफेक्ट मिला है। इसके बाद इस बैग को हैंडल बनाना है। इस बैग का हैंडल बनाने का प्लेसेस पहले फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए 5 डायमंड्स मिला है, बीच का 2 रेड कलर डायमंड में हैंडल बनाना है। मैं इस बैग को 50-50 हैंडल में बनाई हूँ, हैंडल स्टफ वायर रखकर मैं बनाई हूँ। इस तरह हैंडल बनाने का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड करी हूँ, यहाँ भी एक बार बताने वाली हूँ। पहले स्टफ वायर 2 वायर्स कट कर लेना है, एक वायर का लेंथ 3.5 फीट लेना है, इन स्टेप का मेजरमेंट ले तो 1 मीटर लेना है। इसको भी लेकर यहाँ फोर्थ लाइन में इंसर्ट कर लेना है। रेड कलर डायमंड का बीच में इस तरह इंसर्ट करके बाहर निकालना है। 4 वायर्स मिला है, इस 4 वायर्स को भी पहले इक्वल रख लेना है। बाद में इसका ऊपर का वायर कट कर लेना है। ऊपर का वायर येलो कलर में एक वायर, रेड कलर में एक वायर मैं कट करी हूँ, दो भी 5 फीट में कट करी हूँ। आप इन स्टेप का मेजरमेंट ले तो 1.5 मीटर मेजर करके कट कर लीजिए। इस तरह कट करे बाद इस वायर्स को भी इक्वल रख लेना है। स्टफ वायर को एक रबर बैंड डालकर रख लेना है, तभी कंफ्यूज नहीं हो सकता है। देखिए राइट साइड में रेड कलर वायर एक है, येलो कलर वायर एक है, साइड में भी येलो कलर वायर एक है, रेड कलर वायर एक है। 50-50 हैंडल आप बनाना रहा तो दो साइड में भी सेम कलर वायर रहना है, उसीलिए राइट साइड का येलो कलर वायर को लेफ्ट साइड में लेकर जाना है। सेम उसी तरह लेफ्ट साइड का रेड कलर वायर को लेकर राइट साइड में रख लेना है। इस तरह पहले अरेंज कर लेना है। बाद में राइट साइड का नीचे का रेड कलर वायर को लेकर पीछे लेकर लेफ्ट साइड का 2 येलो कलर वायर का बीच में लेकर फिर भी राइट साइड में ही रख लेना है। इसके बाद लेफ्ट साइड का येलो कलर वायर का नीचे का वायर को लेकर इस तरह पीछे लेकर राइट साइड का 2 वायर्स का बीच में लेकर फिर भी लेफ्ट साइड में ही रख लेना है। इसी तरह कंटिन्यूसली नॉट्स बनाकर हैंडल बनाना है। इस तरह 50-50 हैंडल मिला है। देखिए मैं फुल हैंडल कंप्लीट करी हूँ। रिमेनिंग वायर्स को अंदर नॉट डाले बाद इंसर्ट करी हूँ। देखिए बैग परफेक्ट मिला है, ब्यूटीफुल मिला है। इस बैग का लेंथ 10 इंचेस है, हाइट 8 इंचेस है। आपको इस बैग चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। इस बैग बनाने का ट्यूटोरियल में आपको कुछ डाउट रहा तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। Thanks for watching.
Thank you.